Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishvesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the chapter 5 probability of standard tense algebra. See, now before moving to the practice set of this chapter, we will see some terminologies related to the topic probability. Okay? इसमें सबसे पहला definition हमें देखना है random experiment का. Now see, what is random experiment? An experiment in which all the possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty. इस कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब देखो, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट ओके जिसके रिजल्ट आने के पहले ही हमें पता है कि रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, पर एग्जैक्टली कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट आएगा ये हम नहीं बता सकते हैं. ओके, जैसे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो आपके केमिस्ट्री में, ओके, तो आपको रिजल्ट पहले ही पता होते हैं कि क्या आने वाले हैं. बराबर, आप दो केमिकल्स मिक्स करते हो, एक तीसरा केमिकल आता है, तो रिजल्ट पहले ही पता होता है. ओके, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो श्योर एक्सपेरिमेंट है. बराबर है. यहां पर ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको रिजल्ट्स कितने आने वाले ये पहले से पता है, पर एक स्पेसिफिक रिजल्ट आप नहीं बता सकते हो. जैसे एग्जांपल देखो, टॉसिंग अ कॉइन, जब हम कॉइन फ्लिप करने वाले हैं तो दो रिजल्ट्स आ सकते हैं हमें पता है, या तो हेड या तो टेल, बट हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. ओके, वैसे ही थ्रोइंग अ डाइस, ओके, जब आप डाइस थ्रो करते हो तो टोटल 6 आउटकम्स आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हो आप कि हाँ 6 ही आएगा या 1 ही आएगा या 3 आएगा. ओके, सो दीज टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें आउटकम्स क्या क्या आ सकते हो पहले से पता है, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी. सर्टेनिटी यानी श्योरिटी. ओके, नाउ सी व्हाट इज आउटकम. द रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम. अब जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं उन्हें आउटकम कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, ओके, जब आप कॉइन फ्लिप करते हो तो उसके आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल. ओके, थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस में कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. सो व्हाट इज आउटकम, इट इज द रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, एंड ऑल पॉसिबल रिजल्ट. ओके, नाउ सी इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं. आउटकम तो हमने देख लिया, इक्वली लाइकली क्या होते हैं, अ गिवन नंबर ऑफ आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली If none of them are said to be occur in preference to the other. मतलब क्या, जैसे for example, when we toss a coin, the head or tail is equally likely outcome. मतलब जब आप coin flip करोगे, coin toss करोगे, तो head के और tail के chances equal है. यानी कि ऐसा नहीं है कि हाँ head के chances 75% रहेंगे या tail के 25% रहेंगे. Okay? Head और tail के दोनों के chances equal है आने के. बराबर है. So ऐसे outcome को कहा जाता है equally likely outcome. Okay? नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. अब हमने ये तो देख लिया कि आउटकम्स क्या होता है, रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, ओके, ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब जब उनका सेट हम तैयार करते हैं, जब वो सेट नोटेशन में लिखते हैं, तो दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस. ओके, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. अ सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस और ओमेगा. The number of elements in the set S, yani number of elements in the sample space, okay, are called as sample points. Okay, देखो, the number of sample points, वो जो elements रहते हैं उन्हें sample points भी कहा जाता है. So, number of elements in the set S is denoted by NS. Okay, and the fourth point is sample space is called a finite sample space if number of elements in that given sample space is finite. मतलब वो जो सैंपल स्पेस है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी सैंपल पॉइंट्स यदि आप काउंट कर सकते हो कितने हैं. ओके, सो दैट सैंपल स्पेस इज नोन एज फाइनाइट सैंपल स्पेस, और आप यदि काउंट नहीं कर पाए तो वो इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहलाएगा. ओके, एक एग्जांपल दिया है यहां पर, कंसिडर रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई. तो सैंपल स्पेस एस क्या आएगा, कितने आउटकम्स आते हैं थ्रोइंग अ डाई में, 6 आउटकम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सैंपल स्पेस इज 6. ओके, now see, we'll see some random experiments, their sample space and number of sample points in their sample space. Okay, so pehla random experiment hai, a coin is tossed, single coin is tossed, to sample space mein do sample points aayenge, head and tail. Okay, so number of elements in that sample space is 2. The second random experiment is 2 coins are tossed. ab do coins ek sath aap toss karo ya ek ke baad ek toss karo, ye jo outcomes hai ye ek jaise aayenge. Okay, हेड हेड आ सकता है, पहले कॉइन पे भी है, दूसरे पर भी है, पहले कॉइन पर हेड, दूसरे कॉइन पर टेल.
पहले कॉइन पर टेल, दूसरे कॉइन पर हेड और दोनों कॉइन पर टेल, सो टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स रहेंगे? चार, सो एनएसएस 4। द थर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 3 कॉइंस आर टॉस्ड। अब 3 कॉइंस एक के बाद एक टॉस करो या साइमल्टेनियसली टॉस करो, ये जो सैंपल पॉइंट्स है ये ऐसे ही आएंगे, हेड 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 मतलब तीनों कॉइंस पर हेड, हेड हेड टेल मतलब पहले दो कॉइंस पर हेड, तीसरे कॉइंस पर टेल, हेड टेल हेड पहले कॉइन पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, फिर टेल हेड हेड पहले कॉइन पर टेल, बाकी दूसरे दो कॉइंस पर हेड, हेड टेल टेल, देन टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। अब देखो यदि आपको याद रखने में आसानी नहीं होती है तो इसका एक ट्रिक है याद रखने का, ये जो 3 कॉइंस आर टॉस्ड है ना, इसका जो सैंपल स्पेस है वो याद रखने का ट्रिक ऐसा है कि आप क्या करो, 2 कॉइंस आर टॉस्ड का एक सैंपल स्पेस तो आपको पता रहता है, ये याद रहता है, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, 2 कॉइंस आर टॉस्ड का सैंपल स्पेस याद रखना है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसे दो बार देखो, और फिर क्या करो, ये जो आपने पहली लाइन लिखी है इसमें सब जगह हेड ऐड कर दो एज अ थर्ड कॉइन, और दूसरे लाइन में टेल ऐड कर दो एज अ थर्ड कॉइन, और देखो ये जितने भी 8 आउटकम्स रहेंगे सब अलग अलग रहेंगे। ओके, सो ये एक ट्रिक है 3 कॉइंस आर टॉस का सैंपल स्पेस याद रखने की। ओके, और देखो उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, 8। देन द फोर्थ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ डाइस थ्रोन। अ डाइस थ्रोन सो ऑब्वियसली 6 आउटकम्स रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स रहेंगे, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन दैट एक्सपेरिमेंट इज 6। नाउ व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, डाई ये सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल के लिए डाइस बोला जाता है, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन तो 36 आउटकम्स रहते हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, मतलब पहले डाई पर सिर्फ 1 आएगा, दूसरे डाई पर 1 आ रहा है, फिर पहले डाई के 1 के साथ दूसरे डाई का 2, पहले डाई के 1 के साथ दूसरे डाई का 3, पहले डाई के 1 के साथ दूसरे डाई का 4, पहले डाई के 1 के साथ दूसरे डाई का 5, पहले डाई के 1 के साथ दूसरे डाई का 6, फिर वैसे ही 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, लास्ट में आएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, टोटल 36 आउटकम्स आते हैं व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। ओके, द सिक्स्थ सैंपल सॉरी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस थ्रोन एट द सेम टाइम। कॉइन भी टॉस हो रहा है और डाई भी थ्रो कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है, कॉइन के लिए या तो हेड या टेल है और डाई के लिए नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे टोटल 2, 6 और 12 आउटकम्स आएंगे। कैसे? H1, H2, H3, H4, H5, H6, मतलब हेड के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वैसे ही टेल के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ऐसे टोटल 12 आउटकम्स आएंगे। ओके, नाउ सी पैक ऑफ कार्ड्स, एज वी ऑल नो देर आर टोटल 52 कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड्स एक्सक्लूडिंग जोकर। ओके, जोकर के भी 2 कार्ड्स होते हैं वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, सो एक्सक्लूडिंग जोकर देर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, आउट ऑफ विच 26 कार्ड्स आर रेड, 26 कार्ड्स आर ब्लैक, एंड आउट ऑफ दीज 26 रेड कार्ड्स 13 हार्ड कार्ड्स आर देयर एंड 13 डायमंड कार्ड्स आर देयर, एंड आउट ऑफ द 26 ब्लैक कार्ड्स देयर आर 13 क्लब कार्ड्स एंड 13 स्पेड कार्ड्स। ओके, नाउ सी ये जो हार्ट डायमंड क्लब और स्पेड है इन्हें 4 सूट्स कहा जाता है। ओके, द नंबर्स 1, 2, 3, 4 अप टू 10 देन जैक क्वीन किंग आर कॉल्ड एज डिनोमिनेशंस। बराबर है, ईच सूट हैज 13 कार्ड्स। देखो टोटल कितने सूट्स हैं, 4, और हर सूट्स में कितने कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स, और वो 13 कार्ड्स कौन से हैं, एक रहता है किंग, एक क्वीन, एक जैक और बाकी 10 कार्ड्स बेयरिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। ओके, नाउ द कार्ड बेयरिंग नंबर 1 इज कॉल्ड एज एस कार्ड। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज 4 किंग्स, 4 क्वींस, 4 जैक्स आर कॉल्ड एज फेस कार्ड्स। ओके, दे आर टोटल 12 इन ऑल। मतलब क्या होता है, देखो हार्ट का एक किंग रहता है, डायमंड का एक किंग, क्लब का एक किंग और स्पेड का एक किंग, तो टोटल कितने किंग्स हुए, 4, वैसे ही 4 क्वींस एंड 4 जैक्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज फेस कार्ड्स, तो टोटल कितने है? फेस कार्ड है 12। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एस कार्ड्स आर नॉट फेस कार्ड्स। ओके, अब देखो यदि हमें ये जो पैक ऑफ कार्ड्स है इसका सैंपल स्पेस लिखने को कहा गया तो हम ऐसे लिखेंगे, डायमंड एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक क्वीन एंड किंग, वैसे ही स्पेड के लिए, हार्ट के लिए और क्लब के लिए,
and the number of samples sample points in the sample space of pack of cards is 52. Okay. Now see what is event. The outcomes satisfying particular condition are called favorable outcomes. Okay, जो given condition को satisfy करते हैं. Okay, and the set of favorable outcomes of a given sample space is known as event, where event is the subset of a given sample space. अब ये सब चीजें आपको example में clear हो जाएगी. उससे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि events are generally denoted by capital letters such as capital A, capital B, capital C, capital D, capital P, capital Q, capital X, etc. Okay. Now see example. Consider an experiment of tossing two coins. तो दो coins simultaneously हम toss कर रहे हैं या एक के बाद एक toss कर रहे हैं. तो हमारा जो sample space आएगा वो आएगा head head, head tail, tail head and tail tail, जिसमें चार sample points रहेंगे. अब ये जो हमारा experiment है of tossing of coins, okay, जिसका sample space आया, इसमें से एक outcome हमें लेना है, वो ये है कि A is the event of getting one tail. Okay, so जो event A है उसके sample space में दो points हैं, दो sample points आएंगे. वन टेल कहां मिलता है हमें? हेड टेल में और टेल हेड में. हेड हेड में तो एक भी टेल नहीं मिलता और टेल टेल में दो टेल मिल जाते हैं, हमें सिर्फ एक टेल चाहिए. तो दो सैंपल पॉइंट्स कौन से रहेंगे? हेड टेल एंड टेल हेड. सो दिस इज इवेंट ए एंड हियर इवेंट ए इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू कॉइंस. सो देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको. इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. ओके, ये गिवन सैंपल स्पेस है of the experiment of tossing two coins और इसका subset event A है. The number of elements in the event A is denoted by N A और कितने elements है वहाँ पर, कितने sample points है? दो. Head tail एक और tail head एक. Okay? Now see types of events. There are six types of events. ये बस आपको नाम बताया है आपके syllabus में. Standard 11th में हम इसे depth में सीखेंगे, इनके definitions, इनके examples. तो बस नाम आप देख लो क्या है types of events. Certain event यानी श्योर इवेंट, देन इम्पॉसिबल इवेंट, देन सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट. ये छह की छह जो इवेंट्स है ये हम डेप्थ में स्टैंडर्ड 11th में देखेंगे. ओके, नाउ सी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ओके, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. ओके, इट इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज यूजिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ द सैंपल स्पेस इज एस एंड ए इज एन एक्सपेक्टेड इवेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए एंड इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस. ओके, सैंपल स्पेस कौन सा है ये? जिसका इवेंट ए है, बराबर है? Which is given by probability of A is number of elements in the event A upon number of elements in the sample space. Okay? अब देखो example में पूरा clear हो जाएगा. Consider an random experiment of throwing a die. Okay? Throwing a die है तो sample space जो आएगा उसमें 6 sample points आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of elements in the sample space is 6. A is the event of getting a prime number on the upper face. अब इनमें से prime number कौन से है? 1, neither prime nor composite है. 1 मत लिख के आना. 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है. सो इस इवेंट ए में कितने सैंपल पॉइंट्स आए? 3. ओके, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ए अपॉन एन एस यानी 3/6 यानी हाफ. ओके, अब ये एक नोट पे ध्यान दो आप. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1. ओके, या तो प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी. ओके, या उनके बीच में आएगा जो भी है. और 0% टू 100%, दैट इज इफ ए इज एनी इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0% और लेस देन इक्वल टू 100%. ओके,